हेलो फैशन स्टार्स, आज का वीडियो है स्मोकी आइज़ लुक को लेकर। तो मैं आपको आज सारे स्टेप्स बताऊंगी कि आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं स्मोकी आइज़ लुक क्रिएट करते टाइम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने यहाँ पे अपने फेस पे फाउंडेशन ऑलरेडी लगा रखा है, आँखों पर भी लगा रखा है। और अब मैं यहाँ से, आप देख रहे हैं, शेडो पैलेट से एक लाइट शेड लेकर अपने आईलिड पे उसको लगा रही हूँ, एज ए मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ उसे। यहाँ पे मैंने आपको जो शेड मैं दिखा रही हूँ, ये मरून शेड है जो मैंने अपने पैलेट से लिया है, और मैं उसे एज ए ट्रांजिशन कलर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक राउंड आई शेडो ब्रश लिया है जिससे मैं अपने ट्रांजिशन कलर को अपनी क्रीज लाइन और आउटर वी एरिया में अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आपको अपनी इनर कॉर्नर की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं ट्रांजिशन कलर को यूज़ करना है। ट्राई करें कि आप अपनी क्रीज लाइन पे जब इसे ब्लेंड करें तो वो थोड़ा सा आपकी क्रीज लाइन से ऊपर भी वो ब्रश आप घुमाएं, बहुत डार्कर शेड में मत जाएं, लाइट शेड में रहें। जो डार्कर शेड है वो आपका इन क्रीज लाइन पे ही रहे, और थोड़ा सा उससे जो क्रीज लाइन के अबव आपकी स्किन है उस पर हल्का एक शेड उसका लग जाए। वो बहुत परफेक्ट लुक देगा जब आप ब्लैक कलर इसके साथ मिक्स करोगे तो। यहाँ पे मैं एक कोल काजल पेंसिल ले रही हूँ, ये पेंसिल काजल है, बहुत अच्छा पिगमेंटेड कलर है इसका, और ये अब मैं अपनी आईलिड पे लगा लूँगी। बहुत सारे काजल आपके पास होंगे, बट आप ट्राई करो कि अगर कोई काजल है आपके पास जिसका टेक्सचर क्रीमी है तो आप उसे अवॉइड करो, क्योंकि ये वेदर भी ऐसा है, प्लस एक दो घंटे के बाद आपका जो आई शेडो है वो अपने जगह से हट जाएगा अगर आप क्रीमी काजल यूज़ करते हो टेक्सचर वाला। तो बेटर ये होगा कि आप मैट फिनिश लुक, ये जो कोल काजल होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, आप वो ही यूज़ करें। और इसे अब मैं अपनी दोनों आँखों पे सेम जितने पोर्शन में मैंने एक लिड पे लगाया है मैं दूसरे पे भी वैसे ही लगा लूँगी। अब यहाँ पे मैं अपने कोल काजल को अपनी आई लिड पे अच्छे से स्प्रेड करके उसे मिक्स कर दूँगी। जहाँ भी आपको लगे कि काजल नहीं लगा है, या कहीं बहुत ज़्यादा है कहीं कम है, तो आप उसे अच्छे से मिक्स कर लो। स्मोकी आइज़ में सिर्फ ये आपको देखना होता है कि आप कितने प्रॉपरली परफेक्टली अपने दोनों कलर्स को ब्लेंड करते हो। आप कोई भी कलर यूज़ करो, बट मोस्टली एक ट्रांजिशन कलर होता है और हमारा एक मेन कलर होता है जो हम आई लिड पे लगाते हैं। तो उन दोनों कलर्स का मास्टर वर्क स्मोकी आइज़ यही है कि आप कितने परफेक्टली उसे ब्लेंड करते हो जिससे कहीं भी कोई हार्श एजेस ना दिखें, ये ना दिखे कि आपने दो कलर यूज़ किया है। वो प्रॉपरली दिखना नहीं चाहिए, डिफ्रेंशिएट उसकी लाइंस नहीं दिखनी चाहिए। तो स्मोकी आइज़ इज़ ऑल अबाउट ब्लेंडिंग एंड जस्ट ब्लेंडिंग। तो आपको बहुत अच्छा इसको ब्लेंड देना है, कहीं भी दिखना नहीं चाहिए कि आपने ज़्यादा लगाया है या दो कलर्स यूज़ किए हैं। तो हर एक जगह इवनली स्प्रेड कर लें आप इस कोल काजल को, और आप देख रहे हो कि मैंने किस तरीके से किया है। अब मैं ये दूसरी आंखों पे भी करूँगी। अगर आपको ऐसा लगे कि आपने जो आपका ट्रांजिशन कलर है उसे पूरा कवर कर लिया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाद में उसे, जब आपका ये अच्छे से मिक्स होके फिनिश्ड हो जाए ये वर्क, तो आप उसके बाद राउंड ब्रश में वो ट्रांजिशन कलर लेके अपनी क्रीज लाइन पे उसे फिर एक ब्लेंड दे के दो तीन स्ट्रोक में आप वो लुक पा सकते हो। कोई भी फॉल आउट हो, अगर आपने बाहर की तरह बहुत ज़्यादा निकाल दिया है काजल, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं आपको बाद में बताते रहूँगी कि आपको कैसे उसे नीट एंड फिनिश्ड लुक देना है। इसे बस आप अच्छे से मिक्स करते जाओ। आउटर वी की तरफ आपको हमेशा इनवर्ड्स डायरेक्शन में जाना है, एंटी क्लॉक वाइज उसे रोटेट करना है अपने ब्रश को, क्योंकि अगर आप बाहर की तरफ करोगे तो वो बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ आपका लुक वो बढ़ता जाएगा और आपकी आंखें थोड़ी विच वाली लुक देंगी आपको। तो आपको इसीलिए इनवर्ड्स हमेशा अपने ब्रश को घुमाना है, और क्रीज लाइन पर भी साथ में एक दो राउंड आपको स्ट्रोक लगा ही देना है। और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने फिर अपने राउंड ब्रश में ट्रांजिशन कलर लिया है, और मैं एक स्ट्रोक और दे रही हूँ कि जो भी कोई एजेस हों, अगर ब्लैक का वो स्ट्रोक दिख रहा हो तो वो दोनों आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाए और मुझे फिनिश्ड लुक मिल जाए। अब यहाँ पे मैं अपने आई शेडो पैलेट से मैंने ब्लैक शेड लिया है, और मैं उसे अपनी आई लिड पर अच्छे से
पैट पैट करके लगा लूँगी, और जहाँ कहीं भी मुझे अनइवन लगेगा कि काजल अच्छे से स्प्रेड नहीं हुआ है या कहीं पे थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए कहीं पे कम, मैं वहाँ पूरा उसको इवनली स्प्रेड कर दूँगी, लगा लूँगी ब्रश से अपने। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो भी आपका ट्रांजिशन कलर है या ब्लैक शेड है वो आपने बहुत यू नो क्रीज लाइन से ऊपर लगा दिया है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप अपने शेडो पैलेट से वो लाइट शेड लें जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और उसे अपनी ब्रो बोन पे लगा लें तो वो अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर मैं ब्रश से जो भी फॉल आउट्स हुए हैं वो हटा रही हूँ। और अगर ब्लेंडिंग के टाइम या आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा बाहर निकल गए हो, आपकी स्मोकी लुक को लेकर एजेस बाहर तक आ गई हैं, तो आपको करना ये है, आप एक वेट वाइप्स लो या कॉटन पैड लो ऐसे, उसे थोड़ा सा यू नो वेट कर लो, और उसके बाद एक स्ट्रोक में आप उसे पूरा इस तरीके से वाइप कर दो, वो फिनिश्ड पूरी आपको लाइन दे देगी। आप चाहो तो कंसीलर से भी ऐसे कर सकते हो, बट इससे बहुत ईजीली से ये वाइप हो जाता है, आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि आपने ज़्यादा लगा लिया है या यू नो काजल या कुछ भी आपके फेस पे पूरा स्प्रेड हो गया है, तो ये बहुत अच्छे से इवनली आपके फेस से निकल जाता है और कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। इसी तरीके से आप अगर अपनी लोअर वाटर लाइन जो है उस पर भी काजल लग गया है या कोई भी फॉल आउट हुए हैं तो आप वो भी अच्छे से इससे हटा सकते हो। यहाँ पे मैंने गोल्डन शेड लिया है और इससे मैं अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट करूँगी। आप चाहो तो सिल्वर यूज़ कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर पिक किया है। और अगर आपको लगता है कि यू नो समटाइम्स ऐसा होता है लैशेस के बीच से हमारी स्किन दिखती है, या जब हम ऐसे ऊपर की तरफ देखते हैं तो भी वो लैश लाइन जो होती है वहाँ पे वो पूरा दिखता है स्किन, तो आप वहाँ पे भी काजल अप्लाई कर लो, वो बहुत ही अच्छा और फिनिश्ड लुक क्रिएट करेगा, आपको लुक देगा। यहाँ पे मैंने शेडो पैलेट से ब्लैक कलर लिया है और मैं उसे अपनी वाटर लाइन पे लगा के स्मज करूँगी, और फिर मैं ट्रांजिशन कलर का भी एक स्ट्रोक देकर और उसे स्मज करके फिनिश्ड लुक दूँगी इसे। यहाँ पे मैं अपने इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट कर रही हूँ। यहाँ पे मैस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। आप टू कोट से अप्लाई करें तो आपको यू नो फॉल्स आईलैशेस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं आईलाइनर लगा रही हूँ, आप चाहो तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो, बट अगर आप आईलाइनर लगाते हो तो ट्राई करो कि इसे बाहर की तरफ मत निकालो, कोई विंग या कुछ भी ऐसी लाइन आप मत करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड दैट्स इट, दिस इज़ द फाइनल लुक। ये सामने से तो लुक बहुत अच्छा लग रहा था, आपकी आंखों को बहुत यू नो सेक्सी लुक देता है ये, बट मेरा कैमरा इसे प्रॉपर यू नो पता नहीं क्यों कलर्स जो है थे वो कैच नहीं कर पा रहा था, बट यहाँ पे मैं कुछ पिक्स लगा दूँगी जिसे देख के आप जान सकोगे कि ये रियल में कितना फ्रेंड से अच्छा दिख रहा था, क्योंकि कैमरा फ़ोटो में ये बहुत अच्छा लुक दे रहा था, पूरा कलर यू नो कंट्रास्ट एकदम अच्छे से उभर के आ रहा था। और यू नो आई स्मोकी आइज़ के साथ रेड लिप्स अब बहुत ओल्ड फैशन हो चुके हैं और आउटडेटेड लगते हैं। इसके साथ ये न्यूड शेड जो है लिप्स का, मैंने यहाँ पे पिंक थोड़ा सा पीची टच वाला लिप शेड लगाया है जो इस लुक के साथ मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही यू नो अट्रैक्टिव और सेक्सी लुक दे रहा है। तो अगर आपको ये लुक अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करो, जैपनीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करो, एंड डोंट फॉरगेट टू बी क्लासी एंड बी योरसेल्फ।